जैसा कि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि मैं और मेरे फादर हम दोनों ही दिल्ली को घूमने के लिए आते हैं, पर इस बार हमारे साथ एक नया मेंबर, मेरी मदर, इस बार हमारे साथ जुड़ी हैं। इन्होंने पहली बार दिल्ली को एक्सप्लोर किया है। इनको कैसा लगा हम उनके बारे में इनको ज़रूर पूछेंगे वीडियो के लास्ट में, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सभी गैलरीज को एक्सप्लोर कर लिया है, अभी चलते हैं विलेज की ओर, जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। चलते हैं उधर। अभी हम क्राफ्ट म्यूजियम में विजिट करेंगे ओल्ड स्टाइल विलेज को, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा हुआ आजादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनी हुई है दिस साइड, यहाँ पर अगर आप चाहें तो बुक्स पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पर है ग्रामीण झांकी विलेज कॉम्प्लेक्स। लेट्स विजिट इट, व्हाट्स इनसाइड इट एंड हैव अ लुक ऑफ इट। यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि ये है इंडिया के जिवें वक् वक् स्टेट दियां हाउस ने पुराने वो चीज़ा बनी होने, जिवें जम्मू दा उवें बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात की जो भी मेजर थी हमारी, जहाँ पर विलेज स्टाइल थे उन्हें रखा गया है, उनकी एक टाइप ऑफ झांकी बनाई हुई है। काफ़ी खुला है ये एंड मैसिव साइज में ये बना हुआ है कि आप देख सकती हैं। एक आई थिंक ये कश्मीर साइड का होगा, देखते हैं पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर ये है कुल्लू कुटीर, हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर होते थे पुरातन समय में। यहाँ पर आप बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप उन्हें पढ़ के इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे गैदर कर सकते हैं। हम जब डलहौजी गए थे तब हमने आपको एक व्लॉग में दिखाया था एक ओल्ड एज वुमन का, एक बहुत ही पुरातन सा घर था वो एक्चुअल में था, ये उसका एक झांकी बनाई हुई है, वैसा ही बनाने की कोशिश है। ये मध्य प्रदेश गौड़ कुटीर, मध्य प्रदेश, वैसे इनके घर थे। देख सकते हैं इंडिया का काफ़ी जो मेजर कल्चर था, विलेज ओल्ड स्टाइल कल्चर था, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा मौसम भी हुआ है आज एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सी हट बनाई है एंड ये आप इस साइड आई थिंक बर्तन होंगे मिट्टी के, यस। यहाँ पर है स्मृति स्तंभ गुजरात की ओर से मेमोरियल स्टोन्स, जो उस समय अनाज रखने के लिए जो हम बर्तन यूज़ करते थे उन्हें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एक पतीला, मैं बोल सकता हूँ शायद इसे कड़ाहा जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो रखा हुआ है यहाँ पर एंड काफ़ी ओल्ड स्टाइल, जैसे हम मिट्टी से पहले करते थे ना, पोछा मारते थे मिट्टी को लेकर, घर को लीपा जाता था ताकि जो घर है वो ठंडा रहे। ये आप देख सकते हैं मेहर कुटीर गुजरात का एक झांकी आप बोल सकते हैं इसे दिखाया गया है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है, नेचर है यहाँ पर एंड हमने देखा काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपको विलेज की वाइब आती है तो आप अपने काम में भी ज़्यादा मन लगा सकते हैं। और अगर आप आर्टिस्ट हैं एंड पेंटिंग बनाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं। यह है नागालैंडियन हाउस, जहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो झाड़ू को उल्टा लटकाकर यहाँ पर उससे एक घर बनाया गया है। पता नहीं वह उनके यहाँ पर ट्रेडिशन होगा, इसका कोई ना कोई तो मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि
बेमतलब की कोई भी चीज यहाँ पर या लोग जो उस समय के थे वो नहीं रखते थे। ये जो आप देख रहे हैं गुजरात का बना हुआ विवाह स्तंभ है। हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको गुजरात लेके जाने वाले हैं, जिसमें आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी आने वाली वीडियोस को सब देखिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बने रहिए प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर के साथ। आइए अभी हम मेरी मदर से पूछते हैं कि उन्हें दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका, और उन्हें नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में क्या क्या अच्छा लगा। दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ आइए, यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जैसे सुना जाता था कि बहुत भीड़ भाड़ है, गंदगी बहुत है, पर यहाँ पर बहुत ही सफाई है। इसका सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। नेशनल क्राफ्ट के बारे में बताऊँ, इसमें 19 स्टेट्स का हमारा कल्चर दिखाया गया है, उनका पहरावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन। आप भी अपनी फैमिली के साथ आइए, घूमिए। दिल्ली बहुत ही अच्छा सिटी है घूमने के लिए। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, आप भी आइए और हमारे चैनल पे बने रहिए प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर। राजस्थान में जब आपकी एंट्रेंस होती थी एक हवेली में, तब ऐसा एक दरवाज़ा होता था, उसका एक नकल आप या झांकी बोल सकते हैं उसकी दिखाई गई है। विज़िट कर लिया है हमने, लेट्स मूव आउटसाइड ऑफ इट। हम सभी ने मिलकर विज़िट कर लिया है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दिल्ली के और भी प्लेसेस को विज़िट करना चाहते हैं तो उनकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल पर, तो आप उनको भी, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। चलिए अभी आपको एंड करती हैं और आपको एक नई वीडियो में दिल्ली के एक नई प्लेस को विज़िट कराएंगे। तब तक के लिए बाय।